दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की सरकार को उसकी मुफ्त की योजनाओं को लेकर कड़ी फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने असल में दिल्ली के कोचिंग सेंटर में 3 यूपीएससी स्टूडेंट्स की मौत के मामले की सुनवाई के दौरान केजरीवाल सरकार पर गंभीर टिप्पणी की। कोचिंग सेंटर मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां की। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अगुवाई वाली बेंच ने दिल्ली की व्यवस्था और शहर की बढ़ती आबादी के बीच कई खामियों का भी जिक्र किया। जज ने यह भी कहा कि सब्सिडी की वजह से लगातार दिल्ली की आबादी बढ़ रही है। एक्टिंग चीफ जस्टिस ने मुफ्त की योजनाओं को लेकर सरकार को नसीहत भी दी। बार एंड बेंच के मुताबिक हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस ने कहा कि आज दिल्ली की आबादी 3 करोड़ है और संख्या लगातार बढ़ रही है क्योंकि दिल्ली में सब्सिडी है। ये बड़े नीतिगत फैसले हम जानते हैं। दिल्ली कहां जा रही है और इस मुद्दे पर चर्चा करने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के प्रशासकों को मानसिकता बदलनी चाहिए। यदि मानसिकता यह है कि सब कुछ मुफ्त होना चाहिए, लेकिन हर चीज मुफ्त नहीं हो सकती। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार की मुफ्त वाली स्कीम्स को लेकर टिप्पणी की थी। कोर्ट ने तब कहा था कि सरकार लोगों से टैक्स नहीं लेना चाहती, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा कहां से आएगा। कोर्ट ने दिल्ली के शासन व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े किए और कहा कि यहां अथॉरिटीज बहुत हैं, लेकिन जवाबदेही कोई नहीं लेता। सुनवाई के दौरान एक्टिंग चीफ जस्टिस ने दिल्ली में अतिक्रमण और एमसीडी के कामकाज को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पानी आपके या मेरे घर में घुस सकता है, ये दिल्ली की समस्या है। यमुना में भी अतिक्रमण हो गया। दिल्ली के आम नागरिकों में माइंडसेट ये है कि यमुना बहती रहेगी, अतिक्रमण से फर्क नहीं पड़ता। जस्टिस मनमोहन ने कहा कि दिल्ली के केंद्र में अतिक्रमण करके इमारतें बन रही हैं। दिल्ली के केंद्र में ये चीजें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि जब हम इन्हें गिराने का आदेश देते हैं, आप छत में फुटबॉल के बराबर का छेद करके छोड़ देते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि समय आ चुका है दिल्ली के प्रशासनिक, आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के ढांचे को दोबारा जांचा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।